हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मैं विशाल द्विवेदी। आज हम लोग बात करेंगे, एक अपने देश की समस्या है बेरोजगारी की समस्या। और जो है ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे देश में बेरोजगारी है। और बेरोजगारी के निदान के लिए हम लोग जो है एक चीज़ पे डिपेंड है, वो है सरकारी नौकरी के ऊपर हम लोग डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और इतनी वैकेंसी नहीं निकलती कि जो है सबको नौकरी मिल सके। इसलिए हमको जो है स्वरोजगार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। तो सेल्फ डिपेंड होने में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो है बजट की समस्या, पैसे की समस्या। अब हर आदमी के पास तो इतना बजट है नहीं कि वो बड़ा सा व्यापार शुरू कर सके, बड़ा रोजगार शुरू कर सके। तो इसके लिए समस्या ये आती है, पैसे की समस्या और लोन की समस्या। तो आदमी क्या करे? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास बिल्कुल बजट नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत पैसे का जुगाड़ वो कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है और इस तरह के वीडियो की एक पूरी सीरीज में बनाऊंगा। जिनके पास बिल्कुल बजट नहीं है, बजट बहुत कम है जिनके पास, तो वो क्या करें, किस तरह का व्यापार वो कर सकते हैं, किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे जो है जो कम से कम बजट में शुरू होने वाले व्यापार के बारे में। तो हम एक मिनिमम बजट लेके चलते हैं कि 5,000 रुपीज़ का, 5,000 रुपये का। तो 5,000 रुपये में कोई छोटा व्यापारी शुरू हो सकता है। तो व्यापार छोटा का इन सेंस मतलब मेरा ये है कि जिसका बजट कम हो। और व्यापार छोटा बड़ा नहीं होता, काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो काम आपको रोजी दे दे, जो आप जिस काम से आपका खर्चा चल जाए, वो काम छोटा नहीं हो सकता। लेकिन उसका बजट जो है, जो कम बजट में हमारा काम शुरू हो जाए, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो जो पहला बिजनेस में बात करने जा रहा हूँ, जो पहला रोजगार में बात करने जा रहा हूँ, वो है हमारे यहाँ सीजनल काम कुछ होते हैं जो है, जो सीजन होता है। जैसे हमारे देश में जो है त्योहारों का सीजन होता है, हर महीने हमारे देश में जो है कोई ना कोई त्योहार रहता है। तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं जिसको हम बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये सीजनल काम होता है। जैसे अभी जन्माष्टमी गया है और इसके बाद कोई और त्यौहार आएगा, तो उस त्यौहार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, हम उसका स्टॉल लगा सकते हैं जो कम बजट में शुरू हो सकता है। अब स्टॉल लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको एक मेज चाहिए, तो मेज या ठेला चाहिए, छिलिया जिसको ठिलिया बोलते हैं वो चाहिए। तो हम ये नहीं करेंगे 5,000 रुपये का हमारे पास बजट है और हम 5,000 रुपये का अगर ठिलिया लेने जाएंगे या मेज ले बनवाने जाएंगे तो उसी में पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो हमको करना क्या है, उसको किराए पे ले लेना है जो है, किसी टेंट हाउस से मेज ले ली, उस पर अपना स्टॉल लगा लिया। तो जो सीजनल चीजें हैं, जो जिस जिस त्यो जो त्योहार हो, उस त्योहार में बिकने वाली जो चीजें हैं, उसका स्टॉल हम लगा सकते हैं। जैसे जन्माष्टमी गया, तो जन्माष्टमी में जो भी चीजें मूर्तियां हैं और जो अबरी है और जो सजावट का सामान है, ये सब चीजें जो चीज जरूरत होती हैं, तो उस चीज का हम स्टॉल लगा सकते हैं। और हमारे यहाँ जो है हर महीने कोई ना कोई त्योहार रहता है, एक खत्म होता है तो दूसरे त्योहार की तैयारी शुरू हो जाती है, उस चीज का स्टॉल लगा सकते हैं। तो ये जो है आपको केवल माल खरीदना है, मेज और जो भी जो चीजें हैं वो आपको किराए पर लेनी है, किराए पर व्यवस्था करनी है। 5,000 रुपये का आप माल खरीद लीजिए, माल खरीद के आप जो है सीजनल ये काम कर सकते हैं। एक सीजन का काम खत्म होगा तो दूसरे दूसरी चीज का काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये चलता रहेगा, कुछ कुछ गैप पे चलता रहेगा। और जो गैप मिलेगा आप उसके उसमें आप अपने लिए कोई दूसरा काम ढूंढ सकते हैं। तो जो ये पहला रोजगार है जो सीजनल काम होता है, जो हमारे यहाँ त्योहारों का सीजन होता है, तो त्योहारों में जरूरत होने वाली जो सामान होती है उसको बेच के हम लोग जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे जो है अभी अभी नवरात्र आएंगे, तो नवरात्र में जो भी चीजें जरूरत होती हैं, पूजा पाठ की जो भी चीजें जरूरत होती हैं, उनको हम बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमारा काम उससे चल सकता है। तो पहला रोजगार ये है हमारा कि जो सीजनल काम है उसको करके हम जो है अपना जो है रोजगार चला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये जो है पहले जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल एक और बिजनेस आइडिया के ऊपर बात करेंगे जो इसी बजट में जो है हमारा हो सके, जो इतने कम बजट में हो सके हमारा। और सबसे पहले तो हम लोगों को एक अपनी सोच बदलनी होगी कि कोई काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता। आप ये जब तक नहीं सोच पाएंगे कि जो है ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, आपको जो काम देखने में छोटा लगता है ना, उस काम में उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। जिसको आप छोटा समझते हैं ना, वो आपसे ज्यादा कमा रहा है। तो इसलिए छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, छोटा काम नहीं होता, छोटा आदमी की सोच होती है। आप छोटा काम करके, जिसको आप छोटा समझते हो, उस काम को भी करके जो है
अच्छा पैसा पैदा कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मेन मोटिव तो पैसा कमाना है, मेन मोटिव तो पैसा पैदा करना है, मेन मोटिव ये है कि हमारा घर कैसे चले, मेन मोटिव ये है हमारा खर्चा कैसे चले। तो सबसे बड़ी जरूरत तो ये है आज की, तो हमको ये नहीं सोचना है, अपना माइंड को थोड़ा सा डेवलप करना है, और ये नहीं सोचना है ये काम छोटा है या बड़ा है, काम काम होता है, जो काम आपका घर चला दे वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए, नमस्कार।